नमस्ते, मेरा नाम गरिमा टिकवानी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2016 में ऑल इंडिया रैंक 136 प्राप्त की है। ये मेरा पहला प्रयास था। शुरू करने से पहले मैं संक्षिप्त में अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। पहले मैंने अपनी स्कूलिंग आगरा से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरी ग्रेजुएशन 2014 में समाप्त हुई। उसके पश्चात मैंने एक साल एक्सिस बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में काम किया, और 2015 में मैंने रिजाइन करके सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी शुरू करी, और 2016 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया। इस वीडियो को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि इस एग्जाम के लिए आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। दूसरे पार्ट में मैं एस्पिरेंट्स से अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूंगी, और अंत में हम अपने ऑप्शनल को लेके कुछ बात करेंगे। जहां तक की बात है कि इस पेपर को लेके एस्पिरेंट्स की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो जो मैं बोलती हूँ वो ये है कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए, ये पहचानिए कि आपको ये परीक्षा देनी क्यों है, आपको एक सिविल सर्वेंट बनना क्यों है। तो मैं ये इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज होता यह है कि इस परीक्षा का ड्यूरेशन इतना लंबा है, इतना इतनी लंबी ये तपस्या है कि जब आप पढ़ाई करेंगे आपको ये रियलाइज होगा कि ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्षण आएंगे जब आप खुद को क्वेश्चन करेंगे कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, क्या मुझे ये करना चाहिए। और उस समय में अगर आप खुद को वो रिमाइंड कर सकें, आपको आप अपने आप को वो रीजन याद दिला सकें कि नहीं, मुझे इसी वजह से सिविल सर्वेंट बनना है, या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। मेरे हिसाब से तो पब्लिक सर्विस ही आपका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए ये सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स कुछ अनइम्पोर्टेंट या सेकेंडरी रीजंस की वजह से भी ज्वाइन करते हैं, और इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसकी वजह से वो उस लेवल पे मोटिवेटेड नहीं रह पाते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो विच कैन बी प्रॉब्लमेटिक। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि फाइंड दैट रीजन एंड कीप दैट पैशन अलाइव इन यू, बिकॉज हर एस्पिरेंट की जर्नी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा आते हैं, और सभी की तरह मेरे जो जर्नी रही है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, काफी प्रॉब्लम्स आए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग या रहा मेरे लिए कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में के जो 3-4 महीने का ब्रेक होता है, उस पूरे टाइम में मेरी तबीयत काफी खराब थी, एंड ऑल्सो एडवाइज टू नॉट गिव द मेंस एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और उस समय में मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बोला गया है आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो उस समय क्या हुआ था कि मेरी जो मानसिक और जो शारीरिक स्थिति थी वो काफी खराब थी। बहुत सारे नकारात्मक थॉट्स मेरे दिमाग में रहते थे कि ये फेयर नहीं है, मेरे साथ क्यों हुआ है, बिकॉज ये सब आएगा आपके दिमाग में भी, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ क्लियरिंग प्रिलिम्स ऑल्सो, तो आई वॉज क्वाइट नेगेटिव एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड ऑलमोस्ट रेडी टू गिव अप ऑल्सो। बट समहाउ किसी तरीके से आई मैनेज टू फाइंड दैट स्ट्रेंथ इन साइड मी कि नहीं, आई कैप्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि नहीं, इस रीजन की वजह से मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई विल फेस ऑल द डिफिकल्टीज। एंड मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आई वुड स्क्रिबल ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन माई हैंड कि आई विल डू दिस, आई कैन बिकम एन IAS ऑफिसर और सिविल सर्वेंट एंड सो ऑन। ये बहुत छोटी चीजें होती हैं, बट समहाउ यू विल हैव टू फाइंड दैट मोटिवेशन, यू विल हैव टू कीप दैट पैशन अलाइव इनसाइड यू। तो आप प्लीज उस चीज पे बिल्कुल काम कीजिए, बिकॉज ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन योर प्रिपरेशन लेवल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एडवाइस टू एस्पिरेंट्स। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ाई करना अपनी जगह है, लेकिन इस एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप एक निरंतरता से पढ़ाई करें। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, और उसको कवर करने के लिए ऐसा होता है कि ऐसे भी दिन आते हैं जब लगता है कि नहीं हो सकता, पढ़ाई नहीं हो रही है, बट लेट मी टेल यू दिस कि एक बार आपका अगर मोमेंटम छूट जाता है तो उसको रिबिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट, अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको मिनिमम रखिए, सोशल मीडिया से दूर रहें, और भी कुछ भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो ट्राई टू अवॉइड इट एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। सो दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड एडवाइस।
उसके बाद आई थिंक एक चीज है जो बहुत एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, वो ये है कि जब आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो एकदम से चेंज हो जाता है. इट बिकम्स वेरी सडनली, आप बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं. और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सो ट्राई टू फाइंड आउट सम टाइम टू परस्यू सम एक्टिविटी. आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, कोई स्पोर्ट खेलें, योगा हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू मेंटेन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एज वेल, विच इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो प्लीज डू दैट. एंड आई थिंक बाकी जब अप्रोच की बात करते हैं तो एक चीज मुझे ये लगती है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे अनसंग हीरोज भी हैं, क्योंकि होता ये है कि जब ये परीक्षा हम देते हैं तो बहुत सारी चीजों को एक साथ एक प्लेस में फॉल होना पड़ता है. एवरीथिंग हैज टू फॉल इनटू प्लेस साइमल्टेनियसली, विच अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि सबके साथ नहीं हो पाता है. तो मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि जो भी एस्पिरेंट जो सही नीयत से, इंटेंशन से और पूरे डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी करता है वो अपने आप में एक विनर है. बिकॉज ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी सम लॉस इन टर्म्स ऑफ टाइम या मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन, बट जो आप नॉलेज, जो पेशेंस और जो एटीट्यूड जो आप गेन करेंगे ये तैयारी के थ्रू, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लाइफ अलॉट. तो कीप दैट इन माइंड ऑल्सो. बाकी आगे रही मेरी स्ट्रैटेजी की बात, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आई वॉज कम्प्लीटली न्यू टू द प्रेपरेशन. मैंने स्कूलिंग में या अपने कॉलेज में कभी नहीं कुछ पढ़ाई नहीं की थी. आई वॉज टोटली अनफेमिलियर विद दिस. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि कितना टाइम लगता है तैयारी करने में, बहुत एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं. तो मेरा मानना ये है कि अगर आप 1-1.5 साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत है. इट इज इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम, प्रोवाइडेड कि आप निरंतरता से पढ़ाई करें. और दूसरी बात ये होती है कि भाई अब शुरू कैसे करना है, हाउ टू गेट इन टू द स्टडी मोड. तो उसके लिए व्हाट आई विल एडवाइज इज कि स्टार्ट विद योर न्यूज़पेपर. मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो किया है और मैं रेगुलरली वो पढ़ी थी. उसके बाद जो आपका जो जीएस होता है उसके लिए सभी टॉपर्स ने ऑलमोस्ट आपको बताया होगा कि एनसीईआरटी इज अ वेरी बेसिक रिसोर्स. तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं. एनसीईआरटी का मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि इट्स गुड टू बिल्ड फेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स जो कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको थोड़ा जीएस से फेमिलियर होने के लिए इट्स अ गुड सोर्स. लेकिन एज एंड व्हेन यू फील कंफर्टेबल, तो जो उसके बाद जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं यू कैन जंप टू दोज एंड कीप रिवाइजिंग दो सोर्सेज अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू विल नीड टू रिटेन दैट कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर. तो आई थिंक ये तो शुरुआत करने की बात हुई. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा आपको उस मोड में आने के लिए. तो ट्राई बट ट्राई टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी. और साथ ही ये क्या करिए, आप एक टाइम टेबल बनाएं, एक प्लान बनाएं जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से डिवाइड करिए और उस हिसाब से एक टारगेट्स बनाएं, डेडलाइंस बनाएं कि मुझे इस डेडलाइन तक ये कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे अपना ये ऑप्शनल या ये कोई सब्जेक्ट फिनिश करना है. तो उस हिसाब से आप करेंगे तो आपका मोमेंटम और कंसिस्टेंसी दोनों बरकरार रहेगा. तो वो बहुत जरूरी है, वो आप प्लीज कीजिएगा. बाकी एक और ये क्वेश्चन रहता है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हम कैसे करें, अलग होती है या इंटीग्रेटेड होती है. तो मेरा मानना ये है कि पढ़ाई बिल्कुल इंटीग्रेटेड ही रहेगी, सेम आपका अप्रोच रहेगा. जस्ट दैट प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के लिए जो हम आगे कवर करेंगे, बट अदरवाइज इंटीग्रेटेड ही चलेगा आपका पढ़ाई. तो जहां तक कि प्रीलिम्स के सोर्सेज की बात है तो एनसीईआरटी जो मैंने इनिशियली रेफर किया था, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और ज्योग्राफी के लिए आपके 11th 12th की एनसीईआरटी, जीसी लियोन टू सम एक्सटेंट एंड वाजीराम के क्लास नोट्स पढ़े थे मैंने. आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने बलियाम के क्लास नोट्स रेफर किए थे. और एनवायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ा था. और इकोनॉमी के लिए सिंस आई हैड अ कॉमर्स बैकग्राउंड तो मैंने बस वाजीराम के क्लास नोट्स पढ़े थे, नथिंग एल्स.
सो आई थिंक ये है. बाकी करंट अफेयर्स के लिए आई रेगुलरली फॉलोड द न्यूज़पेपर, और मैंने साथ में ही अपने नोट्स भी बनाए थे न्यूज़पेपर से, बोथ हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, दोनों वेज में. साथ में मैंने विजन के मंथली कंपाइलेशन भी फॉलो किए थे. तो आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स भी अवेलेबल रहते हैं मंथली कंपाइलेशन, तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट विल बी इनफ सोर्सेस के हिसाब से. और जैसे मैंने बोला, थोड़ा अप्रोच चेंज हो जाता है. तो जैसे अब जनवरी फरवरी के बाद से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, और मैंने टेस्ट देना शुरू किया था. मैंने इनसाइट्स का, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लिया था, विच इज गुड, यू कैन फॉलो दैट. एंड देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है. तो वहां पे यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन सो दैट यू कैन मेक गुड गेसेस ऑन द क्वेश्चंस. तो दैट कैन कम ओनली विद प्रैक्टिस. तो वो आप प्लीज कीजिएगा. एटलीस्ट 20 to 30 टेस्ट आप देने की कोशिश कीजिए. और ये है कि जैसे कुछ महीने पहले, प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले, आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन द फैक्चुअल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स. जैसे आप रियलाइज करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, और मेंस में आपका एनालिटिकल ज्यादा होता है. तो कुछ महीने पहले प्रीलिम्स से मैंने फैक्चुअल कंटेंट को बार बार रिवाइज करना शुरू किया. मैंने अपना एक डेडलाइन सेट किया था कि मुझे एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन्स कंप्लीट करने हैं प्रीलिम्स से पहले. तो उस हिसाब से आप भी अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, बेस्ड ऑन यू नो व्हाट सब्जेक्ट्स आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस. उस हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिएगा प्लीज. और एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि आप पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो भी प्लीज देखिएगा. क्योंकि क्या होता है कि उनसे वो पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वॉट एग्जैक्टली इज यूपीएससी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन यू एंटिसिपेट. तो फॉर इंस्टेंस, जैसे मेडिवल और एंशियंट हिस्ट्री में जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म हो गया, या फिर सूफी भक्ति मूवमेंट्स. सो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कीप रिकरिंग. तो आप पहले से ही एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो यू कैन बी थरो विद इट. तो ये थोड़ा आप जरूर कीजिएगा. और आई थिंक जीएस के पेपर के लिए इतना काफी है. और बाकी सीसैट का जो पेपर होता है, मैंने कुछ उसके लिए अलग से नहीं किया था. आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल विद इट. आई जस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, 3-4 पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे. बट आप क्या कर सकते हैं कि वो पेपर सॉल्व करके प्लीज देखिए. एंड इफ यू फील कि जो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है आपके हिसाब से, तो स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड बुक्स अवेलेबल है मार्केट में. कोई भी, यू कैन पिक एंड चूज एनी वन, एंड उसके हिसाब से कीप प्रैक्टिसिंग. अब तो वैसे क्वालिफाइंग ही है. सो आई थिंक प्रीलिम्स का, आई थिंक दैट विल डू. इसके बाद आता है आपका मेंस का एग्जाम. तो मेंस वी नो कि 9 पेपर्स होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3-4 महीने का ही गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में. सो व्हाट आई रिकमेंड यू, रिकमेंड टू एस्पिरेंट्स, कि आप प्लीज रिजल्ट आने का वेट मत कीजिए. डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट्स, बिकॉज थोड़ा लेट हो जाएगा. अगर आपको लग रहा है कि यू आर क्वाइट श्योर ऑफ क्लियरिंग द कट ऑफ, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमिजिएटली. यू कैन टेक अ वीक और 10 डेज का ब्रेक आफ्टर द प्रीलिम्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. बाकी जो सोर्सेस की बात होती है, तो जैसे GS1 इज योर, थोड़ा स्टैटिक होता है. GS1 में आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, आर्ट एंड कल्चर, एंड इंडियन सोसाइटी. सो मोर एंड लेस द कंटेंट विल रिमेन द सेम, योर सोर्सेज विल रिमेन द सेम एज दे वर इन प्रीलिम्स. बाकी बस एक एडिशन होता है इंडियन सोसाइटी का. सो सिंस आई हैड सोशियोलॉजी एज माई ऑप्शनल, तो मैंने उसमें कुछ ज्यादा, आई डिड नॉट स्टडी एनीथिंग. सो दैट वॉज इट अबाउट पेपर वन. GS पेपर टू इज वेरी डायनामिक. ऑल्सो पेपर थ्री इज ऑल्सो वेरी डायनामिक. तो GS पेपर टू इज अबाउट योर पॉलिटी, IR एंड गवर्नेंस. उसके लिए करंट अफेयर्स पे आप प्लीज बहुत एम्फोसिस दीजिए. उसके अलावा आप पॉलिटी के लिए, मैंने लक्ष्मीकांत एंड गवर्नेंस इन पॉलिटी के कुछ क्लास नोट्स भी सिलेक्टिवली रेफर किए थे. सो आई थिंक दैट विल बी ऑल. पेपर थ्री इज अगेन करंट अफेयर्स का, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. तो एम्फोसाइज ऑन योर करंट अफेयर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यस, मैंने विजन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था. तो दे प्रोवाइड सम मटीरियल. तो मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स के लिए आई रेफर टू दैट मटीरियल ऑल्सो. पेपर थ्री एंड टू के लिए इंटरनेट ऑल्सो विल हेल्प यू अ लॉट. मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए एक्सटेंसिवली इंटरनेट यूज किया, तो वो आप कर सकते हैं. जस्ट दैट कीप द सिलेबस बिफोर यू ऑल द टाइम, कीप दैट इन माइंड. लास्ट एंड इज योर पेपर फोर, GS पेपर फोर, विच इज द एथिक्स पेपर. इफ देर वॉज वन पेपर दैट आई थिंक मैं थोड़ा बेटर कर सकती थी, दैट इज द एथिक्स पेपर.
आई डिड नॉट स्कोर वेरी वेल इन एथिक्स एंड खैर मेरा केस थोड़ा अलग था, मेरे पास टाइम की पॉसिटी थी तो आई हैड नो चॉइस बट टू इग्नोर एथिक्स, आई कुड नॉट फाइंड द टाइम टू डू इट. बट एस्पिरेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप इसको इग्नोर मत कीजिए, एथिक्स इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर. सो व्हेन यू लुक एट द पेपर आप रियलाइज करेंगे कि पेपर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है थियरी एंड एक होता है केस स्टडीज. केस स्टडीज स्पेशली आप वेरी स्कोरिंग, तो उसके लिए क्या है ना, आप पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्विंग दोज केसेस. बिकॉज केस स्टडी सॉल्व करने के लिए यू आर एक्सपेक्टेड टू थिंक एंड ऑल्सो एक्सप्रेस योर सेल्फ एज अ सिविल सर्वेंट ओनली. तो वो एनालिटिकल एबिलिटी है वो पहले से बिल्ड करें, प्रैक्टिस करें. और एथिक्स के लिए दो बुक्स होती हैं, एक लेक्सिकन होता है थ्योरी के लिए एंड जी सुब्बाराव इज ऑल्सो गुड बुक जिसमें केस स्टडीज भी कवर होते हैं. सो मैंने आई डिड नॉट फाइंड द टाइम टू रीड देम बट आप प्लीज उसको रेफर कर सकते हैं. तो प्रैक्टिस अ लॉट फॉर GS4. उसके अलावा होता है आपका एथिक्स पेपर, सॉरी एसे पेपर. तो एसे में अगेन प्रैक्टिस अ लॉट, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट प्रैक्टिस मच. मैंने हार्डली एक या दो एसेज लिखे थे बिफोर द मेंस, फाइनल मेंस का एग्जाम. बट थैंकफुली आई हैड सम प्रीवियस एक्सपीरियंस विद क्रिएटिव राइटिंग, तो आई वॉज एबल टू मैनेज एंड आई स्कोर्ड वेल इन द एसे पेपर ऑल्सो. बट फ्यू पॉइंटर्स दैट आई वुड लाइक टू गिव टू एस्पिरेंट्स इज कि एक तो चीज़ है कि आपका जो एसे होना चाहिए ट्राई टू इंश्योर कि उसका एक प्रॉपर फ्लो है, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, हैफजार्ड में होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर एसे वेरी वेल, कि आपका एसे का जो इंट्रोडक्शन होता है वो इतना पावरफुल होना चाहिए दैट द एग्जामिनर शुड एक्चुअली वॉन्ट टू रीड मोर ऑफ योर एसे. He should be interested enough to read the essay. So introduce it well. You can use some quotes, you can use some examples, some stories, anything, but keep that in mind. Also, ये कोशिश कीजिए कि essay का जो भी topic है, उसका आप पूरा एक holistic coverage दें. Try to cover it and provide a multi-dimensional analysis. क्योंकि anyway आपको बहुत सारा लिखना है essay में, तो you might as well you know show the examiner कि आपका उस topic के ऊपर you know it in great detail. तो एक approach ये हो सकती है कि for instance अगर कोई भी topic है, अगर आपको उसका कोई भी analysis देना है तो उसकी बहुत सारे connotations आप mention कर सकते हैं. For instance you can mention its economic impact, उसका political impact, IR related impact, social impact and so on. So क्या होगा कि एक comprehensive coverage हो जाएगी and this will make your essay very rich. So try to keep these things in mind. उसके अलावा obviously अगर आपका थोड़ा you know writing skills में थोड़ा problem है, so उसके लिए you need to practice a lot. तो आप every 10 days या 15 days आप एक essay लेके practice कर सकते हैं. So I think that will be enough for the essay. बाकी optional के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. उसके अलावा दो पेपर्स और भी होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और एक इंडियन लैंग्वेज का होता है, विच आर क्वालिफाइंग, बट प्लीज उनको इग्नोर मत कीजिएगा बिकॉज 5-10% एस्पिरेंट्स मेंस के स्टेज पे उसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी अनकंफर्टेबल है या यू फाइंड इट डिफिकल्ट, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बिफोर हैंड और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जरूर देख लीजिएगा एक बार कि कितना डिफिकल्ट आता है या कितना ईजी आता है. सो कीप दैट इन माइंड. बाकी आई थिंक मेन्स से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंटर्स होंगे तो वो यही है कि अपने आंसर्स का स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन करें. इट डजंट मैटर कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं या पॉइंटर्स में लिख रहे हैं. आई पर्सनली यूज्ड बोथ, मैंने दोनों का यूज किया था एंड आप विद प्रैक्टिस रियलाइज करेंगे कि कौन से आंसर कौन से क्वेश्चन को यू नो पॉइंटर्स में ज्यादा सुटेबल रहेगा आंसर या कौन से में पैराग्राफ विल बी मोर कम्फर्टेबल फॉर यू. सो कीप दैट इन माइंड. स्पीड और कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके अलावा आई फील दैट योर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आंसर्स अगर आप नीट रखेंगे, इफ यू विल यू नो हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो एक एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होता है एग्जामिनर के माइंड में, इज वॉट आई फील. सो दैट गिव्स यू अ स्लाइट एज, तो ट्राई टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो वेन यू प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग. सो आई थिंक ऑल्सो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि please remember that mains is the only stage where you can exercise a considerable amount of control over the final outcome of the exam. Kyunki kya hota hai ki prelims is unpredictable, your interview is also very unpredictable. So mains is the only
जहाँ पे थोड़ा कंट्रोल है, वेयर यू कैन यू नो डिटरमिन कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको सीरियसली लीजिएगा, आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए. और देखिए थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन चाहिए होता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो मेरे सर्कमस्टांसेस की वजह से आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ चेंजेस टू माई शेड्यूल. बट मैंने उस हिसाब से प्रायोरिटाइज किया कि अगर मेरे पास कम भी टाइम है तो मैं वो सब्जेक्ट्स पहले देखती थी जिनमें मुझे प्रॉब्लम है या विच आर मोस्ट स्कोरिंग. तो उस हिसाब से आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने प्लीज स्टडी प्लान जरूर बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, और ऑप्शनल के लिए भी टाइम निकालिए जरूर. तो मैं जैसे इम्प्रोवाइजेशन की बात बोल रही थी, तो क्या होता है कि डिफिकल्टीज तो आते हैं. एंड आई रिमेम्बर बिकॉज मैं आंसर राइटिंग मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, बट बिकॉज ऑफ माई सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग मच. तो आई रिमेम्बर वन डे आई कॉल्ड माई सिस्टर होम एंड तो हमने टेस्ट पेपर खोला एंड आई मेड हर राइट द आंसर्स. तो आई वॉज डिक्टेटिंग द आंसर्स एंड आई मेड हर राइट एंड देन वी सबमिटेड द आंसर पेपर फॉर इवेल्युएशन. तो ऑब्वियसली मैं अपना स्पीड नहीं चेक कर पाई, बट मैंने एटलीस्ट अपना थॉट प्रोसेस तो चेक किया. मतलब आई वॉज एबल टू गेट दैट इवेल्युएटेड कि मेरा जो अप्रोच है आंसर्स के लिए, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, इज दैट राइट और इज दैट नॉट राइट. तो इसी तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप थोड़ा इम्प्रोवाइज कीजिए. जैसे फॉर इंस्टेंस देर आर फ्यू एस्पिरेंट्स जो कि मेंस की टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर इंस्टेंस. तो अगर आप नहीं कर सकते तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इनसाइट्स है, IAS बाबा है, वेयर यू कैन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एंड गेट योर पियर्स टू इवेल्युएट इट. यू कैन फॉर्म ग्रुप्स एंड आपस में आप एक दूसरे के आंसर्स चेक करके इवेल्युएट कर सकते हैं. सो ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू इट, ठीक है, rather than succumbing to problems. तो this will be my advice कि always try to improvise. And I think mains के लिए इतना काफी होगा. उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू स्टेज. इंटरव्यू के लिए अगेन मैं सबसे पहले ये बात बोलूंगी कि डोंट वेट फॉर द रिजल्ट. मेन्स के रिजल्ट जब आता है उसके विदिन 20 डेज योर इंटरव्यूज विल स्टार्ट. सो यू cannot वेट फॉर द रिजल्ट, इट माइट बी टू लेट. तो आप पहले से शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए एंड फिर यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. और कुछ ब्रॉड एरियाज होते हैं इंटरव्यू के लिए जहाँ पे आपको कुछ फोकस करना पड़ेगा. फर्स्ट इज योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप मेन से पहले भरते हैं, तो उसको आप इंटेंसिवली थरली प्रिपेयर कीजिए. और यू कैन एक्चुअली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आंसर्स भी तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन एंटिसिपेट करके. और उसके अलावा आपको ऑप्शनल होता है जो आपको तैयार करना पड़ेगा. ऑप्शनल के बाद आपके ग्रेजुएशन की जो स्ट्रीम है उसके सब्जेक्ट्स हैं उनको भी प्लीज रिवाइज कीजिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर योर करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली आपको टच में रहना पड़ेगा. जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप उससे टच में रहिए. आई फॉलोड द हिंदू टिल द वेरी एंड, टिल द डे ऑफ माई इंटरव्यू, वो पढ़ते रहिए. और साथ ही साथ ये है कि थोड़ा अगर आपको इंटरव्यू के लिए अपना एनालिटिकल एबिलिटी थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि आई इंटरव्यू स्टेज पर ही मैंने ऑल इंडिया रेडियो और द बिग पिक्चर करके एक शो आता है राज्यसभा टीवी पे, तो मैंने वो यू नो बीच बीच में वो भी फॉलो किया था. सो दीज आर गुड सोर्सेज, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं. आई थिंक इसके अलावा एटलीस्ट एक या दो मॉक्स तो आप दीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे फाइनल इंटरव्यू में. इट्स नॉट लाइक दैट. द थिंग इज कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाउ आर यू सपोज टू प्रेजेंट योर सेल्फ बिफोर अ बोर्ड ऑफ 5 members एंड दे विल गिव यू थोड़ा रिव्यूज की मतलब हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर, आप कैसे अपने आप को बेटर वे में कैरी कर सकते हैं. तो ये सारी छोटी चीजें होती हैं, nuances होते हैं जो आपको यू नो मॉक्स देने से थोड़ा यू कैन फाइंड सम हेल्प इन. उसके अलावा आई थिंक जस्ट बी ऑनेस्ट इज वॉट आई विल रिकमेंड, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको आंसर नहीं आता इंटरव्यू में, तो जस्ट पोलाइटली टेल देम कि मैम या सर आई डू नॉट नो या आई कैन नॉट रिकॉल द आंसर राइट नाउ. डोंट ट्राई टू ब्लफ, डोंट ट्राई टू बीट अबाउट द बुश, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट. तो एंड प्लस एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है. तो इफ यू आर ऑनेस्ट सो दे विल अंडरस्टैंड. And eventually you will find that opportunity to hit a 6 in the interview somewhere down the line. So keep that in mind. And I think yes, obviously unpredictable hai interview, lekin apne end pe apne taiyari to aapko thorough rakhni padegi. So keep that in mind. इसके अलावा अगर कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर aspirants कभी कुछ कुछ questions पूछते हैं. One is how to prepare notes.
सो नोट्स का ये है कि पर्सनली मैंने ऐसा नहीं था कि हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के लिए मैंने एक्सटेंसिवली नोट्स बनाए हूँ. इट वॉज नॉट लाइक दैट. एंड आई थिंक नोट्स बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सोर्सेस का कंपाइलेशन कैसे कर रहे हैं. मेरे हिसाब से वो ज्यादा जरूरी है. फॉर इंस्टेंस, अगर एक टॉपिक है वो आपने 3-4 सोर्सेस से पढ़ा है, तो आप उसको एक जगह कंपाइल करके रखें, बिकॉज मटेरियल इतना सारा होता है, तो इट यू विल नॉट हैव द टाइम टू यू नो लुक फॉर ईच एंड एवरी सोर्स अगेन एंड अगेन. तो उसको प्लीज एक जगह कंपाइल करके रखें. अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो जस्ट डू दैट एंड आई थिंक यू विल बी फाइन. सो दिस इज वन टिप. उसके अलावा कुछ इस एग्जाम को लेके कुछ मिथ्स होते हैं. तो फॉर इंस्टेंस, एक मिथ ये होता है कि कोचिंग जरूरी है. तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब, मैंने कोचिंग लिया था, बट फ्रेंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट फाइंड इट ऑफ मच यूज. तो मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि कोचिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. अगर आप कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते या आप दिल्ली नहीं आ सकते, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, फ्रॉम योर बुक लिस्ट टू एक्चुअल बुक्स टू दी ऑनलाइन लेक्चर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. जस्ट दैट आपको एक एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी, थरली आपको रिसर्च करना पड़ेगा. और एंड लेट मी टेल यू दिस, अगर आप ये सोच के कोचिंग में जाते हैं कि यू नो वहाँ पे स्पून फीडिंग होगा या एवरीथिंग इज टेकिंग केयर ऑफ, हैंड होल्डिंग मिलेगा एंड एवरीथिंग, प्लीज इस डाउट में मत रहिएगा. आई से दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अदर पीपल विल ऑल्सो टेल यू दिस कि कोचिंग में भी यू आर ऑन योर ओन, आपको अपना रिसर्च करना पड़ता है. मैंने भी बहुत सारे सोर्सेज खुद से यू नो हैव टू फाइंड आउट, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है. सोर्सेज चेंज भी होते हैं, आपका स्टडी प्लान भी चेंज होता है. तो उसके लिए प्लीज थोड़ा बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच एंड रिसर्च करना बहुत जरूरी है. तो दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट. उसके बाद हाँ, एक चीज ये भी बोलते हैं कि पहले से यू नो यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली फॉर दिस एग्जाम, कि स्कूलिंग से ही यू नो सिविल्स की तैयारी शुरू कर दें या कॉलेज से कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं दूर दूर तक बिल्कुल फेमिलियर भी नहीं थी ना सिलेबस से, ना एग्जाम से, ना इसके पैटर्न से. आई ओनली स्टार्टेड दिस इन 2015 राइट फ्रॉम स्क्रैच, एंड बहुत लोग करते भी हैं. तो आप इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट इज माई एडवाइस. तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है या वो नहीं है. यू कैन स्टार्ट वेन एवर यू वॉन्ट. अपना बस एक एक डेडलाइन सेट कर दीजिए कि आपको ये अटेम्प्ट में देना है, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कीजिए. लास्ट आई थिंक एक ये बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, कि अच्छे स्कूल या कोचिंग से पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखिए, अगर आपका एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली एक बस ये चीज होती है कि इट विल हेल्प यू फाइंड दैट कॉन्फिडेंस कि यू कैन यू नो कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट इफ आई वॉज एबल टू डू दैट तो मैं ये भी कर सकती हूँ या मैं ये भी कर सकता हूँ. सो वो बात होती है बस, एंड इट हेल्प मी ऑल्सो इन दैट वे. बट अगर आपने नहीं भी अच्छे बैकग्राउंड है, आपका अकेडमिक बैकग्राउंड है, तो प्लीज डू नॉट बी वरीड अबाउट इट. बिकॉज रिमेंबर दिस, यूपीएससी इज नॉट ओनली टेस्टिंग योर इंटेलिजेंस, दे आर टेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंक्लूडिंग पेशेंस, इंक्लूडिंग विल पावर, इंक्लूडिंग योर मोटिवेशन, इंक्लूडिंग योर स्टडी स्ट्रेटेजी, इंक्लूडिंग यू नो हाउ स्मार्ट यू कैन बी विद योर स्टडी प्लान. सो बहुत सारी चीजें होती हैं. तो इफ यू आर एबल टू टैकल ऑल ऑफ दीज, तो इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, आप बिल्कुल कर सकते हैं. जस्ट कीप द राइट फ्रेम ऑफ माइंड विद यू ऑलवेज इज व्हाट आई विल रेकमेंड. आई थिंक ये बस ये कुछ टिप्स थे. बाकी आई विल जस्ट रिपीट द फ्यू थिंग्स दैट आई सेड अर्लियर, दैट ट्राई टू स्टे मोटिवेटेड, स्टे पैशनेट, स्टे कंसिस्टेंट. And I wish all of you all the very best. Thank you.